الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المسلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كفى بالموت واعظا وكفى بالتقى غنى وكفى بالعبادة شغلا وكفى بالقيامة موئلا وبالله مجازيا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. پیغمبر ختمی مرتبت فرماتے ہیں کہ واعظ اور نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے. عام طور سے ایک انسان دوسرے انسان کو واعظ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، یا اسی طریقے سے والدین اولاد کو واعظ کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، استاد اپنے شاگردوں کو واعظ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے. ایک واعظ اور ایک مبلغ اور ایک عالم قوم کو واعظ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں یہ سب ایک طرف، واعظ اور نصیحت کے لیے خود موت کافی ہے. اگر انسان موت کو نظر میں رکھے تو اس سے بڑھ کے کوئی واعظ نہیں ہے، اس سے بڑھ کے کوئی نصیحت کرنے والا نہیں ہے. دوسرے واعظ کریں گے، نصیحت کریں گے، اثر ہوگا نہیں اثر ہوگا، بھول جائیں گے، فراموش کر دیں گے، لیکن موت کی یاد ایک ایسی شے ہے کہ اگر موت کی یاد سے انسان وابستہ ہے
तो फिर यही मौत की याद इंसान के लिए बेहतरीन वाइज, बेहतरीन नासिह, यानी बेहतरीन वास करने वाली और बेहतरीन नसीहत करने वाली करार पाएगी। अब किसी को बताने की जरूरत नहीं है, कहने की जरूरत नहीं है, समझाने की जरूरत नहीं है, वाज और नसीहत करने की जरूरत नहीं है। अगर मौत की याद से इंसान वाबस्ता है तो यही याद ही काफी है उसको गलत सिमत में जाने से रोकने के लिए, गलत बात जबान पर लाने के लिए, कोई गलत आवाज सुनने के लिए, या बाकी इसके अलावा जो हराम और मासियत और गुनाह वाली बातें हैं उनसे रोकने के लिए। मौत की याद, कफा बिल मौत वाइजन, बेहतरीन अगर तुम्हारे लिए कोई वाइज है, तुम्हारे लिए कोई नसीहत करने वाला है तो वो मौत है, कि तुम मौत को याद रखो। और अच्छा, हकीकत यही है कि इंसान के कदम कब गलत सिमत में उठते हैं। एक इंसान अल्लाह को मानता है, रसूलुल्लाह को मानता है, मौला अली को मानता है, आखिरत और कयामत के ऊपर यकीन रखता है, उसे भी मानता है, फिर भी जो है वो गलतियां हैं, गुनाह हैं, खताएं हैं, हराम है, वाजिबात से लापरवाही है, ये किस बुनियाद पर होता है? ये सारी चीजें होती हैं मौत को भुला देने की बुनियाद पर। जब इंसान ये सोच लेता है कि मौत अभी कहां आ रही है, और जब ये सोच लेता है कि मौत अभी कहां आ रही है, बस यही चीज इंसान को गलत सिमत में ले जाती है, उसके कदम गलत सिमत में उठ जाते हैं, उसकी जबान पर जो नहीं आना चाहिए वो आ जाता है, उसके कानों तक जो आवाज नहीं जानी चाहिए वो पहुंच जाती है। ये सारी चीजें होती हैं मौत को भुला देने के नतीजे में। और अगर इंसान मौत को याद रखे तो फिर इंसान बहरहाल उठता हुआ कदम रुक जाता है। मौत है, मौत के बाद भी जिंदगी है। एक गलत बात जबान पे आने वाली थी, लेकिन क्योंकि मौत का तसव्वुर उसके जहन में हर वक्त है, लिहाजा फौरन अपनी जबान को रोक लिया, नहीं कल जवाब भी देना है। कोई गलत आवाज कानों तक पहुंच रही थी, लेकिन सिर्फ मौत के तसव्वुर से हमने अपनी तवज्जो उसकी तरफ से हटा ली। तो कफा बिल मौत वाइजन, इंसान के लिए बेहतरीन अगर कोई वाइज और नसीहत करने वाला है तो वो मौत है, और यही मौत ही काफी है इंसान के वाज और नसीहत के लिए। वकफा बित्तुका गैनन, बेनियाजी के लिए तकवा काफी है। इंसान बेनियाजी किसको कहते हैं? बेनियाजी का मतलब यह होता है कि किसी से भी कुछ अपनी जरूरत को बयान न करना, यह है बेनियाजी। किसी से भी अपनी जरूरत को बयान न करना, और जो कुछ भी अल्लाह ताला ने दिया है, जो भी है, जैसा भी है, जिस तरह का है, उसी के ऊपर सब्र और शुक्र बजा लाना। जिस तरीके से खुद अल्लाह ताला की सिफत भी यही है, अल्लाह ताला की सिफत आप पढ़ते हैं, अल्लाहु समद, वो हर शय से बेनियाज है। लेकिन हम हर शय से बेनियाज नहीं हो सकते, हम अपने को लोगों से तो बेनियाज कर सकते हैं, लेकिन इसकी भी एक किस्म है, लोगों से भी हम बेनियाज नहीं हो सकते। ये बेनियाज इस लिहाज से कि अगर चाहे तो हाँ किसी के सामने हाथ ना फैलाए, पर इस हद तक तो हम कर सकते हैं अपने को बेनियाज, वरना एक इंसान को दूसरे इंसान की जरूरत तो बहलहार है। भाई मां बाप की जरूरत है, भाई बहन की जरूरत है, अजीजों की जरूरत है, खानदान की जरूरत है, समाज की जरूरत है, ये हम बेनियाज नहीं हो सकते हैं। हम तो बेनियाज हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए, ना वालिदैन और ना अजीज और ना अकरबा और ना खानदान, हम तो बस
अपने में जीते हैं और अपने में मस्त रहते हैं। अपने में जीने वाला और अपने में मस्त रहने वाला कामयाब नहीं होता है। जब दुनिया में आए हैं तो अल्लाह ने कुछ रिश्ते, कुछ नाते, कुछ चीजें, कुछ जरूरतें रखी हैं कि इंसान उनसे बेनियाज नहीं हो सकता। बहरहाल इंसान को जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहां पर जिस बेनियाजी का तस्करा है इस यहां के ऊपर, यानी इंसान का अपने तौर के ऊपर जो कुछ भी अल्लाह ने इम्कानात दिए हैं उसके ऊपर सब्र और शुक्र बजा लाना, इसके लिए पैगंबर फरमाते हैं कि बेनियाजी के लिए तकवा ही काफी है। अगर इंसान के अंदर तकवा पैदा हो जाए, तकवा पैदा हो जाए, तकवे का मतलब क्या होता है? अपने को बचा लेना। इससे बढ़कर जाहिर बात बेनियाजी क्या होगी? किससे बचाना? हराम से बचाना, गुनाह से बचाना, गलत बातों से बचाना। जिस दिन इंसान अपने को इन चीजों से बचा ले जाए, हकीकत में यही बेनियाजी है। तो बेनियाजी के लिए तकवा ही काफी है। वकफा बिल इबादत शुगलन, काम के लिए इबादत काफी है। इंसान कहता है काम नहीं है, काम नहीं है, काम नहीं है, काम है क्यों नहीं? पैगंबर फरमाते हैं काम के लिए इबादत काफी है। अब यहां पर अब थोड़ा सा मफहूम इबादत को समझने की जरूरत है कि खुद इबादत का जो मफहूम है इस्लाम में वो क्या है। इबादत के मफहूम को समझने की जरूरत है। अगर इबादत का मफहूम समझ लें तो वाकई 24 घंटे में इंसान किसी वक्त फ्री रह ही नहीं सकता। हर वक्त इबादत है और हर वक्त काम है। हर वक्त काम और हर वक्त इबादत, 24 घंटे काम, 24 घंटे इबादत। ये जो चीजें, जो आमाल, जो काम हम अंजाम दे रहे हैं, इन तमाम कामों में के पीछे रजा इलाही का पहलू हो। जिस दिन ये रजा इलाही का पहलू काम के पीछे आ गया उसी दिन ये काम इबादत बन जाएगा। अब चाहे हमारा घर में बच्चों की तरबियत करना हो या सौजा के साथ अच्छी बरखुर्द और उसके साथ बैठना हो, उठना हो, या अजीज अपरवाह वालिदैन इनकी अहवाल कुर्सी और इनकी खिदमत हो, या बाकी और जो दूसरे उमूर हैं, या रिस्क हलाल के लिए इंसान का निकलना हो, मेहनत और मजदूरी करना हो। जिस दिन इंसान ये तसव्वुर कर ले और जिंदगी अल्लाह की रजा के मुताबिक गुजरने की ठान ले कि हाँ हमारा जो भी काम होगा वो रजा इलाही के लिए होगा, तो जिंदगी का 24 घंटे में कोई एक लम्हा भी ऐसा नहीं होगा जो इबादत के बगैर हो। वो कफा बिल इबादत शुगलन, काम के लिए इबादत काफी है। वो कफा बिल कयामत मोएलन, और कयामत पनाहगाह अगर तलाश कर रहे हो कि हमको कोई पनाहगाह मिल जाए, पनाहगाह मिल जाए, तो पैगंबर फरमाते हैं बेहतरीन पनाहगाह कयामत है। कयामत से बढ़ के कोई पनाहगाह नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है कयामत किन लोगों के लिए पनाहगाह होगी? इसी के बाद जो जुमला है बिल्ला है मुजाजियन, बेहतरीन जजा और इनाम और बदला देने वाला अल्लाह है। ऐसे ही लोगों के लिए कयामत बेहतरीन पनाहगाह साबित होगी कि जिनको अल्लाह से बदले की उम्मीद है, जजा की उम्मीद है, इनाम की उम्मीद है कि दुनिया और इस दुनिया में जो भी जिंदगी है ये जिंदगी जैसे भी गुजर जाए गुजर जाएगी, सख्तियों में, आसानियों में, मर्ज में, सेहत में, गुर्बत में, दौलत में, लेकिन हम जो कुछ भी इस दुनिया में अंजाम दे रहे हैं सबका बदला यहीं पे नहीं चाहिए। कभी कभी हमारी फिक्र क्या होती है और हमारा तसव्वुर ये होता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं सबका बदला अल्लाह यहीं दे दे। हर चीज का बदला हम दुनिया में चाहते हैं, हर चीज का बदला दुनिया मिल जाए। महबूद हम नमाज पढ़ रहे हैं, हम चाहते हैं कि बदला दुनिया ही में मिल जाए इसका। रोजा रख रहे हैं, चाहते हैं कि दुनिया ही में इसका बदला मिल जाए। हज पे जा रहे हैं, सोचते हैं कि दुनिया ही में इसका बदला मिल जाए। खैर और खैरात कर रहे हैं, सत्ता दे रहे हैं,
सोच रहे हैं कि दुनिया ही में इसका बदला मिल जाए। अजीजाने मोहतरम, मैं अक्सर मजलिसों में कहा करता हूं ये बात कि देखिए, हर अमल खैर का एक असर है, असर, और वो असर जाहिर हो के रहेगा, आप इरादा करो या ना करो। मसलन सदका है, ऐसा नहीं है कि अगर हमको कोई तकलीफ नहीं पहुंची और कुछ हम घर से गए और सेफ्टी के साथ वापस आ गए तो इस सदके का कोई सवाब नहीं है। हमको कुछ हो या ना हो, ये जो हमने सदका निकाला है, इसका सवाब, इसका अज्र, इसका बदला कयामत के दिन हमको अल्लाह देने वाला है। हाँ, इस सदके का असर है। असर क्या है? वो जो दुनिया में जाहिर होता है, एक असर वो होता है जो आखिरत में जाहिर होगा, एक असर दुनिया में जाहिर होता है। नमाजें पढ़ते हैं, इन नमाजों के भी दो असर हैं, एक असर वो होता है जो दुनिया में जाहिर होता है और एक असर वो होता है जो आखिरत में जाहिर होगा। दुनिया में जो असर जाहिर होता है वो चेहरे की रौनक की सूरत में जाहिर होता है नमाजों का दुनिया में जो असर जाहिर होता है वो बरकत और नेमत की सूरत में जाहिर होता है। आखिरत में तो जाहिर सी बात है कि उसकी यहां कोई कमी है ही नहीं, वो क्या क्या देते और कैसे कैसे उसने वादे किए हैं कि नमाज पढ़ो तो हम ये बाग देंगे और ये नहर देंगे और ये हूर देंगे और ये मेवे देंगे वगैरह वगैरह। इसी तरीके से जितने भी आमाल हैं, तमाम आमाल का एक असर है। हम नियत करें या ना करें, इरादा करें या ना करें, वो असर तो जाहिर होने वाला है ही है। तो अजीजाने मोहतरम, जाहिर सी बात है कि दुनिया में जो लोग आमाल अंजाम देते हैं, पैगंबर फरमाते हैं कि उनके लिए बेहतरीन अगर पनाहगाह कोई है तो खुद कयामत है। दुनिया में जिनको कोई पनाह देने के लिए तैयार नहीं होता है, उनकी भी पनाहगाह अगर कोई है तो कयामत और आखिरत है। आखिरत बेहतरीन पनाहगाह है। ये वो पनाहगाह है कि जिस दिन अल्लाह जजा देने वाला है। दुनिया में इंसान बेदखल कर देता है, बेघर कर देता है, कोई पनाह नहीं देता है, लेकिन आखिरत में अल्लाह इंसाफ करने वाला है, अल्लाह बदला देने वाला है, अल्लाह जजा देने वाला है, अल्लाह इनाम देने वाला है। लिहाजा ये जो आखिरत का तसव्वुर इस्लाम में है, ये भी इसी गरज से और इसी नीयत से है कि जहां कि इंसान इस आखिरत के तसव्वुर से कम इंसान अल्लाह की तरफ राग़िब हो जाए, मुतवज्जे हो जाए। हाँ, ये अलग बात है कि उसके दर्जात हैं, जैसा कि खुद मौला अमीरुल मोमिनीन ने नहजुल बलागा में एक हदीस में फरमाया है कि कुछ लोग वो होते हैं कि जो ताजिरों वाली इबादत करते हैं, कुछ गुलामों वाली इबादत करते हैं, कुछ लोग आजाद इबादत करते हैं। तो ऐसा नहीं कि ताजिरों वाली इबादत में कोई सवाब नहीं है या गुलामों वाली इबादत में कोई सवाब नहीं है। हाँ, दर्जात जरूर है कि जो आजाद इबादत का सवाब है वो गुलामों वाली इबादत का नहीं है, वो ताजिरों वाली इबादत का नहीं है। कि जहां जो पर हम फौरन अल्लाह से चाहने लगते हैं कि हम ये कर रहे हैं तो हमको ये मिल जाए, ये ताजिरों वाली इबादत है। ठीक है, सवाब तो मिलेगा, लेकिन इसका वो दर्जा नहीं है कि जो आजाद लोगों की इबादत का, जिसके लिए मौला अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि ना तो हम जन्नत की लालच में इबादत करते हैं ना जहन्नम के खौफ से इबादत करते हैं, हम तो तुझे लायक इबादत पाते हैं तो इबादत करते हैं। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह को लायक इबादत पा के इबादत करना, ये है आजाद लोगों की इबादत। कि हमको कुछ मिले या ना मिले, हमको कुछ अता हो या ना अता हो, लेकिन खुद उसका करम, उसकी अता, उसकी बख्शिश इतनी है कि वो इस लायक है कि उसका सजदा किया जाए, उसका रुकू किया जाए, उसकी बारगाह में खड़े रहा जाए, उसके लिए इबादत की जाए। तो मैं तो न जन्नत की लालच में इबादत करता हूं और न जहन्नम के खौफ से, बल्कि तुझे इबादत के लायक पाता हूं तो इबादत करता हूं। और यही खासान खुदा की अलामत है।
यही खासान खुदा की पहचान है और यही सिफत आपको खुद अमीरुल मोमिनीन ने जो फरमाई है, अमीरुल मोमिनीन के जो मुखलिस असहाब हैं उनके यहाँ भी नजर आएगी और अमीरुल मोमिनीन के अलावा बाकी तमाम अइम्मा के जो मुखलिस असहाब रहे उनके यहाँ भी ये चीज दिखेगी और खास करके ये जो अंसार अबा अब्दुल्लाह हुसैन, खुद इमाम हुसैन के जो असहाब हैं उनके यहाँ भी यही चीज नजर आएगी कि वो तो कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हम इमाम हुसैन के ऊपर कुर्बान काहे के लिए हो रहे हैं, न जन्नत की लालच और न जहन्नम का खौफ, ये इस लायक है कि इनके पे कुर्बान हुआ जाए, इन्होंने काम ऐसा किया, इन्होंने खिदमत ऐसी की है, इनको अल्लाह ने वो मकाम और मर्तबा अता किया है कि इनके ऊपर कुर्बान हुआ जाए, लिहाजा हम इन पर कुर्बान हो रहे हैं, हमको कुछ मिले ना मिले, आंखें खुल जाती हैं। करबला में इमाम हुसैन के जो असहाब थे वो किन बुलंदियों के ऊपर थे, हकीकत में सारे निगाहों के सामने जितने पर्दे होते हैं दुनिया के सारे पर्दे हट चुके थे और जाहिर सी बात है कि जब निगाहों के सामने से पर्दे हट जाते हैं तो फिर वो मंजिल आती कि जहां के ऊपर इंसान इसी दुनिया में बैठ के आखिरत का नजारा करता है। करबला वाले उस मंजिल में थे, इमाम हुसैन ने शबे आशूर सबको उनकी मंजिल उनका मकाम दिखा दिया था, बता दिया था, आंखों से पर्दे सबके हट चुके थे और ये जो शौक शहादत था इन असहाब इमाम के अंदर कि जहां एक शहीद दूसरे शहीद के ऊपर सबकत ले जाना चाह रहा है, आगे बढ़ जाना चाह रहा है और हकीकत यही है कि जब आशूर का दिन आया है तो इमाम लाशों पर लाशें उठा रहे हैं, लाशों के ऊपर लाशें और हालत ये थी कि अभी एक का जनाजा ला के रखते थे, दूसरा कहता था आका हमें मैदान में जाने दीजिए और अभी एक को इजाजत देते थे कि फिर पीछे आका पहले इन्हें नहीं पहले हमें जाने दीजिए और ये जज्बा शहादत करबला के मैदान में इमाम हुसैन के साथ में देखा गया। यही वजह है कि इमाम हुसैन ने फरमाया था कि जैसे साहब मुझे मिले ऐसे न मेरे नाना को मिले, न मेरे बाबा को मिले, न मेरे भैया को मिले। अजादारों जब तमाम असहाब शहीद हो गए और गोद के पालों की बारी आई तो यकीनन इमाम के लिए बड़ा सख्त था कि जिनको अपनी आगोश में पाला है, जिनको परवान चढ़ाया है, इनमें कोई भतीजा है, कोई बेटा है, कोई भांजा है और इन्हीं को आज हुसैन इब्ने अली रुख्सत कर रहे हैं और अपनी निगाहों से उनको जख्मी हालत में देख रहे हैं, दुनिया से रुख्सत होते हुए देख रहे हैं, इमाम अपने हाथों से उनके लाशों को उठा रहे हैं, औनो मोहम्मद जैसे भांजे, कासिम जैसा भतीजा, अली अकबर जैसा बेटा, अब्बास जैसा भाई, अजादारों क्यों ना इमाम हुसैन ऐसे अजीजों के ऐसे दिल के टुकड़ों के रुख्सत होने के ऊपर फरियाद करें। जनाब कासिम रुख्सत हुए हैं तो इमाम की फरियाद अलग अंदाज की थी, जनाब अली अकबर रुख्सत हुए हैं तो इमाम का गिरिया अलग तरीके का था, जनाब अब्बास की जब खबर शहादत आई है तो इमाम के तासुरात अलग थे। अजादारों कहते हैं कि जिन्हीं तमाम शहादा में जिस वक्त अली असगर के गले पे तीर लगा है तो इमाम की कैफियत अलग अंदाज की थी, इमाम बच्चे को लिए हुए कभी आगे बढ़ते थे कभी पीछे चले आते थे, जबान पर कलेमात थे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसलिए कि इमाम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि ये मलून इस बच्चे के गले पे तीर मार देंगे, माँ को तसव्वुर भी नहीं था। कहते हिम्मत करके एक मरतबा खेमे का पर्दा हटाया, आवाज दी रबाब बच्चे को ले जाओ, माँ तो समझी कि शायद बच्चा पानी पी के आया है, लेकिन कहते हैं कि जब इमाम ने एक मरतबा आवाज के दामन को हटाया तो क्या देखा, गले पे तीर लगा हुआ, तीर कैसा, गला छिदा हुआ। वो कहते एक मरतबा रबाब की जबान के ऊपर एक जुमला आया, ए मेरे लाल अली असगर क्या तुझ जैसे बच्चों को भी नहर किया जाता है। अला लानतुल्लाह अलल कौम अज़्ज़ालिमीन सयअलमु अल्लज़ीना ज़लमु अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून बिहक़्क़िज़ज़हरा व बिहा व बअलिहा व बनीहा
بار الہ شب جمعہ ہے, شب مغفرت, شب رحمت, شب دعا, شب مناجات. ہم سب تیرے گنہگار اور خطا کار بندے. معبود ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, ہماری توفیقات میں اضافہ فرما, ہماری آخرت بخیر فرما, ہم سب کی ہدایت فرما. بار الہ مومنین جہاں جہاں بھی آباد ہیں ان کی جان, مال, عزت, آبرو کی حفاظت فرما. خاص کر کے لبنان, یمن, عراق, فلسطین کے مظلوموں کی مدد, نصرت اور حفاظت فرما. دشمنان اسلام اور دشمنان تشیع, امریکہ, اسرائیل اور اس کے تمام حامیوں اور ساتھیوں کو ذلیل خوار اور نیست و نابود فرما. بار الہ پرچم اسلام کو سربلند فرما, پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما, مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, علماء اور مراجع کی حفاظت فرما. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا, مومنین جو مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما. بار الہ جو مقروض ہیں قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں پریشانیوں کو دور فرما, جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما. مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما. ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما. وتقبل منا انك انت السميع العليم.